ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट वाला कुछ पॉइंट, स्क्वायर रूट का जो वर्गमूल मैंने पीछे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था उसी टाइप का इसको क्लियर करेंगे, स्क्वायर रूट वर्गमूल, ठीक है ना। तो हम लोग हर टाइप के पढ़ेंगे, पूरा क्लियर करेंगे। यानी ये कह दूं कि रूट से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होता है, वर्गमूल ही नहीं उससे आगे तक, ठीक है ना। ये रूट का मतलब ही वर्गमूल का साइन होता है, लेकिन रूट से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा, वर्गमूल के अलावा भी जितना पॉइंट होगा, सारा क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक से एक पॉइंट को स्टार्ट करेंगे और आंसर आएगा, समझ में आ जाएगा तो जल्दी जल्दी आंसर देंगे, जो चीज नहीं आएगा मैं जल्दी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग श्री गणेश करते स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पीछे पढ़ाया भी कि 8 प्लस 2 रूट 15 इसका वर्गमूल क्या होगा, ऐसे होता है 8 प्लस 2 रूट 15। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 8 प्लस 2 रूट 15 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है, ये वर्गमूल का मतलब कि यहां पर रूट के अंदर जैसे 36 है सपोज है, तो यहां 6 × 6 के रूप में होता है, इसका मतलब एक बाहर दे देता है और एक अंदर रख लेता है। तो यही वर्गमूल निकालने का एक तरीका होता है। अब इसी को हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से बताएंगे, क्योंकि ऐसा सॉल्व करेंगे बहुत लंबा जाएगा। वर्गमूल का सॉल्व मैंने कई बार बताया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन हमें बोर्ड को नहीं भरना है, हमें आंसर चाहिए और जल्दी चाहिए। तो देखेंगे क्या ट्रिक है, मैंने बताया था कई बार पीछे कि यहां पर क्या, एकदम शुरू से बता रहा ध्यान से देखिए, यहां पर दो भूल जाना, एक ट्रिक है मेरी, दो भूल जाना, ये नहीं कि गलत है, मैंने कहा दो भूल जाना, भूल जाना मतलब इसका हल्का सा इसका छुपा दो। अब इसको ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर 8 और गुणा करने पर 15, जोड़ने पर 8 और गुणा करने पर 15, ठीक है ना। प्लस में है, आगे पीछे लिख सकते हो, 3, 5, 5, 3 कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में हो। जब माइनस में हो तो बड़ी वाली संख्या पहले लिखेंगे, छोटी वाली संख्या बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर प्लस है, ये प्लस लगा देंगे, राइट। यानी 15 को इस हिसाब से तोड़ना है कि जोड़ने पर ये आ जाए और गुणा करने पर ये हो। तो 3 और 5 8, गुणा करोगे 3 5 15, वर्गमूल का साइन ये होता है, ये होता है, आंसर इसका ये हो गया। यानी √3 + √5 इस क्वेश्चन के आंसर है। और आज हम लोग रूट से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा सबको उखाड़ेंगे, यानी एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो एकदम आगे बढ़ते रहें एकदम भाई, धीरे धीरे। समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, जब तक नहीं आएगा तभी तक समझाऊंगा। समझेंगे भाई। अब कोई कहेगा ये बहुत अच्छी मैनर ट्रिक है, ये हर जगह चलता है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अब कोई कहेगा कैसे मुझे पता चलेगा कि ये सही है, आपने सही बनाया। तो इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो मैं हूं, लेकिन अगर कोई चाहे कि प्रूव करना चाहे तो √3 + √5 का होल स्क्वायर कर देगा, a स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ये ए हो गया, बी हो गया, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab का मतलब √3 × √5। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2√15। जब गुणा में होता है कोई संख्या तो एक घर में लिख सकते हैं, 8 + 2√15 आ गया। तो यही 8 + 2√15 का हमने वर्गमूल निकाला, तो क्या है √3 + √5। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ये प्रूफ का पॉइंट है कि जो कि किसी भी क्वेश्चन को हम प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलना, एकदम खटाखट निकालेंगे। पहले तो हम लोग 5 से 7 सेकंड में निकालेंगे और बाद में ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि देखते आंसर, मैंने क्वेश्चन फिर आंसर, क्वेश्चन फिर आंसर, इस तरीके से बताएंगे। तो पहले सॉल्व करना सीखे, और सॉल्व में भी ये ट्रिक ही है, ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर √3 + √5 जोड़ना हो तो यही होता है, √8 मत कर देना, ये गलत बात होती है। लेकिन जब गुणा में कोई संख्या ऐसे लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है एक ही घर के अंदर लिख सकते हैं √15।
ठीक है ना, प्लस में है कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब गुणा में है तो परिवर्तन हो जाएगा, यानी रूट 15 हो जाएगा। प्लस में कब परिवर्तन होगा, जब दोनों के रूट में सेम संख्या हो, तब यहां पर एक और एक दो छुपा रहता है, दो रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। यानी प्लस में सेम है रूट के अंदर, तो ये जुड़ जाता है 1√3, 1√3, 2√3, राइट। और जब ये मल्टीप्लाई में है तो एक ही घर में लिख लेते हैं। चलो ये बात समझ जाना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन रूट से रिलेटेड, ठीक है ना, अगर फंस जाए तो मेरे पास व्हाट्सएप पर भेज देना, मैं मान लूंगा पूरा कंप्लीट करने के बाद, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर टू जल्दी बनाओ भाई। 7 + 2√10 का वर्गमूल, 7 + 2√10, अगर रूट नहीं दोगे तो लिखना पड़ेगा कि 7 + 2√10 का वर्गमूल निकाले, लेकिन अगर आपने रूट दे दिया तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। कैसे करेंगे देखो, खटाखट दो भूल जाना है, ये ट्रिक है मेरी, दो भूल जाओ, इसको ऐसे तोड़ो, जोड़ने पर 7, गुणा करने पर 10, तो 2 और 5, 2 5 7, 2 5 10, तो ये हो गया आंसर। क्या ये हो गया आंसर? बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया, एकदम सुपर, एकदम इंटेलिजेंट, आउटस्टैंडिंग, हिस्टोरिकल रॉक, फैबुलस, फैंटास्टिक, ठीक है ना, एनर्जेटिक, सुपर भाई। इंग्लिश बहुत आती है लेकिन बोलता नहीं है ना, तो ये वर्ड इतना बोल दिया कि सब लोग, जितने लोग देख रहे, एक एक बट जाएगा, सब लोग के लिए दे दिया, ठीक है, ले लेना एक एक जो पसंद है। तो ये हो गया क्लियर, बिल्कुल बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, मजा आ गया। तो ये क्लियर हो गया भाई, चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि कहीं कहीं रूट वाला अंदर का नहीं टूटे, तब क्या जुगाड़ है, उसका भी जुगाड़ मेरे पास है। जैसे आपके सामने 7 + 4√3 और इसका वर्गमूल निकालना है, और ये तो टूटेगा ही नहीं, 7 के कौन से हिसाब से, रूट थ्री नहीं टूटेगा। देखो आपके लिए ट्रिक बता रहा हूं, यहां से दो भूल जाना है आपको, आपको बस देखना है और उखाड़ना है क्वेश्चन। कैसे देखो, यहां से आपने दो भूल गया, दो तो भूल जाना है, और दो कैसे, जैसे 2 × 2√3 लिख सकते हो ना, तो दो भूल जाना है हमेशा, दो तो भूल जाना है। अब क्या बचा, 2√3, तो 2 अलग लिख दो, रूट थ्री अलग लिख दो, प्लस है प्लस लगा दो, आंसर। आराम से समझना भाई, एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन पर मैं समझाने जा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता भाई कि 19 + 8√3, बात समझना आराम से, 19 + 8√3, ठीक है ना। करना क्या है, यहां से दो भूल जाना है, तो जब दो भूलोगे तो 6 मत कहना, कहना 4, ये मल्टीप्लाई की बात होती है। अरे इसको ऐसे तोड़ोगे, 2 × 4 × √3 मल्टीप्लाई के लिए होता है, समझ लो मेरी बात, यहां से दो भूल जाओ, क्या बचेगा, 4 और ये बचेगा √3, 4 और √3, प्लस है प्लस लगा दो, आंसर। एकदम आराम से समझ सकते हो, एकदम बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से चल रहा हूं, एकदम जीरो लेवल पर, एकदम बिल्कुल। ठीक है ना, हार्ड टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, बस देखना है। जिनको कम समझ में आ रहा हो घबराएंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जिनको कम आता है उनका सिलेक्शन और पहले हो जाता है, वो पता नहीं भगवान कैसे करा देते हैं और पहले उनकी सिलेक्शन। एक लड़का को कुछ नहीं आ रहा था और गांव में किसी का रिजल्ट नहीं आया, वो ग्रुप डी में हो गया, ठीक है ना, तो सब लोग कह रहा था पैसा दिया था, उसे खुद पता नहीं था रिजल्ट, उसके बाद फिजिकल मार दिया, मेडिकल हो गया, सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो कहने का सेंस है कि ज्यादा नहीं सोचना है, जो चीज होना होगा होगा। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
13 माइनस 4 रूट 3 का वर्गमूल, 13 माइनस 4 रूट 3, 13 माइनस 4 रूट 3, 13 माइनस 4 रूट 3। अब कुछ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, अच्छा से, सुंदर से, बढ़िया से। यहां पर क्या होगा, यहां पर आप दो भूल जाओगे, दो तो भूलना है आपको, यहां से भाई दो गुणे दो गुणे रूट थ्री, दो तो भूल जाओ। अब बचेगा आपको दो और रूट थ्री, क्या बचेगा भाई, दो और रूट थ्री। जब दो और रूट थ्री बचेगा तो माइंड में आएगा कि भाई यहां माइनस से माइनस लगा तो भाई यहां गलती हो जाती है। देखेंगे सभी लोग इसका प्रूफ करने का क्या तरीका है कि देखो, सबसे पहले कहीं भी ऐसा क्वेश्चन को प्रूफ करना हो कि सही हो कि गलत हो, तो इस तरीके से प्रूफ करें। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो यहां दोनों में प्लस ही होता है। तो कहीं भी ऐसा प्रूफ करना है तो इसको उठाकर चेक कर लो कि 13 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 तो 7 आएगा, 13 तो आएगा ही नहीं। आराम से समझना मेरी बात, यहां पर दो का प्रूट करने के लिए ऐसे स्क्वायर कर लेते हैं, चाहे प्लस वाला हो तो प्लस का साइन लगा देने, यहां माइनस वाला हो तो माइनस का साइन लगा दे। लेकिन प्रूट करने का तरीका है कि पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर करके हमेशा जोड़ना, पहला का स्क्वायर करके दूसरा का स्क्वायर करके जोड़ना, अगर मन में शंका संदेह डाउट हो। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 4 3 तो 7 ही हो गए, यहां तो 13 है। तो जब दोनों को अलग अलग करने पर प्रूफ नहीं हो तो इसको लेकर सटा देते हैं, मतलब समझना कि 2 रूट 3 हो गया। ठीक है भाई, 2 रूट 3 हो गया, ये सब सीखने के लिए। अब 2 रूट 3 का स्क्वायर करके चेक कर लो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो चढ़ती है 12, चढ़ती है 12, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, चढ़ती है 12। अब इसमें 13 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। अब प्लस का एक मत लिख देना, गलत हो जाएगा, यहां साइन है माइनस तो माइनस, आंसर। ये तरीका आपको सीखना है, नोट कर लेना है भाई, जल्दी नोट करो। जहां पर दोनों संख्या एक जगह सट जाएगी और वहां पर कुछ नहीं होगा तो 1 होता है, आज के बाद ध्यान रखना। अगर 3 संख्या रहेगी तो 2 संख्या एक साथ सटाएंगे और एक संख्या अलग से रहेगी, 2 संख्या एक साथ सटाएंगे और एक संख्या अलग से रहेगी, ठीक है ना। लेकिन जब दो ही संख्या और दोनों एक साथ लग जाए तो वहां पर तीसरी संख्या 1 ही होती है। साइन डिपेंड करता है, यहां माइनस साइन तो यहां माइनस, यहां प्लस साइन तो यहां प्लस, इस बातों को ध्यान रखिए। ठीक है ना, पहले इसे सीख लेना है, हम लोग सॉल्यूशन सीख लेते इस टाइप से, उसके बाद और भी जुगाड़ बताऊंगा। ठीक है, इसलिए देखते रहेंगे एकदम बढ़िया से। यहां पर जिसको सेटिंग करने आ गया काम हो गया भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिखा रहता है, x बराबर 76 प्लस 10 रूट 3 का वर्गमूल बताना है, 76 प्लस 10 रूट 3 का वर्गमूल, 76 प्लस 10 रूट 3। अब देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से दो भूल जाएंगे, 2 गुणे 5 गुणे रूट 3 में टूटेगा, 2 तो आपने भूल गया। अब आपके माइंड में होगा भाई 5 अब प्लस रूट 3 बोल दो तो क्या होगा कि 5 के स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा और रूट 3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, 25 3 28, यहां तो 76 है। तो जैसे ये स्क्वायर करने के बाद तो पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि 5 के स्क्वायर 25 हो जा रहा है और रूट 3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, 25 3 28 हो जाएगा। फिर करना क्या है, इन दोनों को एक जगह मतलब सटा देना है, तो 5 रूट 3 हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर 25, 25 3 75, 5 के स्क्वायर 25 और रूट 3 के स्क्वायर 3, 25 3 75, और जहां कुछ नहीं होता है वहां पर 1 होता है, जहां कोई नहीं होता वहां भगवान होता है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या कर देंगे 1, तो ये आपका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसको प्रेम से लिख लें।
ठीक है भाई। तो इस तरीका से आपको लिख लेना है और आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर वन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है भाई साहिल, आपका बिल्कुल सही आंसर। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताए भाई, समझ में आया कि नहीं है? पहले यहां तक हमने जितना क्वेश्चन पढ़ा, समझ में आया कि नहीं है अभी? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, यहां तक क्लियर भाई जितने लोग जुड़ा है? नेक्स्ट तो करेंगे, उसकी टेंशन मत लो। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को? नेक्स्ट तो ही चलना है, और क्या करना है। आ गया सभी लोगों, ठीक है भाई। क्योंकि अब धीरे धीरे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, इसलिए दिमाग लगाना है बिल्कुल आराम से। मैं दिखाऊंगा एक क्वेश्चन को सल्व करके कि एक बोर्ड का सल्व होगा, अभी आपके सामने सल्व करूंगा, और उसको बस देखते हम लोग आंसर बता सकते हैं बिना ऑप्शन का। 5 सेकेंड और ऑप्शन आएगा तो देखते हैं आंसर, और ऐसे सल्व करते हैं तो एक बोर्ड लग जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो वो भी चीज देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3+√5 का वर्गमूल निकालना है, सभी लोग ध्यान से देखिए, ठीक है ना। 3+√5 का वर्गमूल निकालना है तो ये क्वेश्चन बुक में एक ही है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आर्य सर्वात बुक में 77 पेज के 102 नंबर क्वेश्चन, उसमें भी देख लेंगे, नवीन बुक में भी, हर बुक में। लेकिन उसका सल्व करा है, बहुत बड़ा करा है सल्व, ठीक है ना, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 3+√5 हम लोग तो पढ़े कि वर्गमूल में स्क्वायर रूट का कोई भी क्वेश्चन हो तो यहां पर 2 हमें चाहिए, बिना 2 का तो सल्व हो गए। अब इसे सल्व कैसे करते हैं पहले ध्यान से देखना और फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। अगर मैं सल्व करना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले यहां दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी मान लेंगे। सबसे पहले ध्यान से समझना, सल्व करना भी सीखना चाहिए दिमाग को बनाने के लिए। ए और बी मान लेंगे, वर्गमूल का साइन है स्क्वायर रूट का, तो यहां भी स्क्वायर रूट लगा लेंगे। तो यहां ये यहां है, प्लस है तो बीच में प्लस, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन है हर बुक में, इसका बदला हुआ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, यहां लिख लेना अपने रजिस्टर पर, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर। जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर, ये लो यहीं पे स्क्वायर, एक स्टेप बनाकर करो, यहां पर ये स्क्वायर जाएगा, और इधर भी रूट में 3+√5 का स्क्वायर जाएगा, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर। अब क्या होगा भाई, a+b द होल स्क्वायर, सभी लोगों को पता है, अभी जस्ट बताए थे, a² + b² अब +2ab। ध्यान से देखेंगे सब, a² मतलब रूट ए का स्क्वायर a हो जाएगा भाई, रूट b का स्क्वायर b हो जाएगा, तो a² + b² √2ab, रूट के अंदर दो बार है, और बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, 3+√5, क्या हो जाएगा भाई, 3+√5, क्योंकि यहां से रूट उड़ जाएगा, मतलब हट जाएगा। अब क्या होगा, a+b का मान ये 3 हो गया, कैसे, a+b = 3, ये पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब ये होगा 2√ab का मान √5, यानी 2√ab = √5। अब फिर इसको क्या करेंगे, तो रूट ए बी बराबर √5/2, ध्यान से देखो, √ab = √5/2। अब क्या करेंगे, इसको हटाकर, इसको जब हटाते हैं तो इससे स्क्वायर चढ़ जाता है, तो ab = हो जाता है 5/4, ab = क्या हो जाएगा, 5/4, ठीक है। अब फिर फॉर्मूला लगाएंगे, अब हमारे पास a+b का मान हो गया और a और b अलग अलग चाहिए, तो पता तो है नहीं कि कितना कितना रखेंगे, तो अब हमें a-b का मान चाहिए। सल्व करना देखो भाई कि कैसे सल्व करते हैं, a+b का होल स्क्वायर -4ab होता है, a+b का होल स्क्वायर -4ab होता है, तो a+b का मान रख दो, ये कंफ्यूजन मत हो जाना कि a-b का होल स्क्वायर बराबर
यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, वही बात होती है, उसी को मैं दूसरे तरीके से लिखा। अब a प्लस बी का मान यहां से भरोगे भाई, तो यहां से जब भरेंगे तो ये हो जाएगा अब फोर, ए बी का मान आपके पास कितना है पांच बटे चार, देखो चार से चार, नौ में से पांच गया चार हो जाएगा, यहां से हटा कर गया आंसर कितना लिखा, तो a माइनस बी का मान आपके पास दो आ गया और a प्लस बी का मान कितना हो गया भाई, a प्लस बी का मान तीन हो गया, ऐसे आता है। अब यहां देखो माइनस बी प्लस बी कट गया, 2a बराबर 5, तो a का मान हो गया पांच बटे दो, खाली अभी a का मान निकाले, देख लो ऐसे सल्व की ताम में देता है, और हम लोग पांच सेकंड, अगर पांच सेकंड से ज्यादा लगेगा तो फिर बताना, पांच सेकंड में सल्व करेंगे, पहले यह भी सीखना है कि किताब में कैसे होता है। तो a बराबर 5 बटा 2, अब b का मान कैसे निकालेंगे, putting the value of a in equation जो 10वीं पढ़े थे उसी हिसाब से, तो इसमें रख देते हैं a plus b का मान 3, तो a का मान कितना 5 बटे 2 plus b equal to 3, तो b बराबर 3 minus 5 बटे 2, तो दो तिहाई 6 में से 5 गया 1 बटा 2। अब कहोगे बर्मून, तो a plus b का मान हो गया यानी 5/2 + 1/2, वर्गमूल 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 सब पर स्क्वायर में चला, तो ये आंसर आपके किताब में मिलेगा। और इसी तरीका से ठीक है ना, क्लास में पढ़ेंगे तो टीचर लोग कहते हैं कि सब्जेक्टिव भी इसे छोड़ दो, लेकिन जितना प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन देखोगे ये आया हुआ है। अब इसके इसका क्या इलाज है भाई, बस देखते ये है आपका सम, जो कि अगर चाहते हो जितना क्वेश्चन हम लोगों ने पांच पांच सेकंड में छह छह सेकंड में कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को ऐसे सल्व करा जाता है। अगर माइंड में ये रहता है भाई कि सल्व करना भी आनी चाहिए, तो देखो सल्व इतना करोगे तो इतना बड़ा पेपर भी नहीं होता है A4 साइज का, तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा ठीक है ना, तो ये चीज शायद नहीं भी करोगे तो अच्छा रहेगा ठीक है। अगर करना है तो फोन है स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है ना, खींच लो फोटो इसका, फिर चलेंगे आगे, इसको उतारना मत, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर मन करे तो, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। अब देखना मेरा ट्रिक क्या है ठीक है भाई, ये हो गया हमें आंसर ये चाहिए, और देखना मैं इसको ट्रिक क्या है बताऊंगा, हर जगह चलेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, देखो हम लोग का ट्रिक क्या है, कहीं भी वर्गमूल निकालने के लिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहां पर दो होना मतलब आवश्यक है, दो होनी चाहिए, लेकिन दो तो है नहीं। अब देखो क्या है, दो से गुणा, ये सब कोई जरूरत ही नहीं, दो से इसमें गुणा करो तो दो तिहाई छह, दो से गुणा दोनों साइड करोगे दो तिहाई छह, और यहां पर क्या हो दो, बात समझ था, दो से गुणा करें तो दो तिहाई कितना हो गया छह और टू रूट फाइव, तो दो से भाग भी दोगे भाई, जब गुणा करोगे तो आपको भाग भी देना होगा, तभी तो दो कॉमन ले सकते हो, खाली गुणा कर दोगे तो ये संख्या आई कहां से ठीक है ना। अब देखो अब हमारे पास क्या ट्रिक होता है, पता ही है कि यहां से दो भूल जाना ट्रिक क्या, हम लोग के पास वर्गमूल निकालने, हम लोग तो निकालने वर्गमूल, दो भूल जाना है तो क्या बचा रूट फाइव, रूट फाइव बचा, और जहां पर कुछ नहीं होता है मैंने अभी बताया तो वन होगा, और दो का वर्गमूल क्या होगा रूट टू, आंसर ये हम लोग का ट्रिक है जो कि हम लोग एकदम, और ऑप्शन पर तो और जल्दी कर लेंगे, कितना सेकंड लगा होगा पांच सेकंड गिन कर देगा, क्या करें हम लोग दो चाहिए तो दो से गुणा कर लिए दो तिहाई छह, टू रूट फाइव अपॉन टू, क्योंकि वर्गमूल का मतलब ही दो यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट की खेला है, तो यहां पर क्या कर लिया हम लोग का ट्रिक है कि दो भूल जाना है, ये तो मैं पीछे से पांच क्वेश्चन बता दिए इस पर। अब रूट फाइव हो गया और कुछ नहीं है तो क्या बचा वहां पर वन, और दो का वर्गमूल क्या होगा रूट टू, आंसर यही होगा, इसी को मैंने वहां लिखा था रूट फाइव अपॉन रूट टू और प्लस वन बाई रूट टू, ऐसे लिखा था, चाहे ऐसे लिखा था वही आंसर था, इसी को बात बनाई जाती इतनी बड़ी, तो बताओ भाई समझ में आया कि नहीं। अब इस पर मैं तीन चार क्वेश्चन कराऊंगा और कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, बस देखते आंसर। जो भी बुक होगा उसमें स्क्वायर रूट चैप्टर निकालना, उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा गारंटी, असल देखकर बताना मुझे।
तो एक बार कमेंट करके बता देंगे कि ये बात आ गई समझ में कि फिर बताऊं। इसके बाद मैं दो चार क्वेश्चन जब क्लियर करा दूंगा अपने आप समझ में आ जाएगा। हमने क्या करा, दो से गुणा करा, दो चाहिए यहां पर, तो दो तिहाई छह, दो रूट फाइव, तो दो से भाग भी देना होगा क्योंकि जब गुणा करो तभी तो कट जाएगा। फिर क्या होगा, यहां से दो हम लोग भूल गए, राइट, रूट फाइव बचा, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर। अब आप इसको प्रूव भी कर सकते हो तो आपका आंसर वही आएगा, ठीक है ना भाई, ये आंसर सभी लोग आ गया, ठीक है भाई, कमेंट आ रहा, आ गया। कोई भी क्वेश्चन होगा एकदम पांच सेकेंड सॉल्व करूंगा तो पांच सेकेंड, और बाद में ऐसा होगा कि डायरेक्ट देखते आंसर बताएंगे, लेकिन पहले आराम से। और सॉल्व करना जरूरी इसलिए था क्योंकि ये भी कोशिश होनी चाहिए, है ना। चल अब जहां पर दो नहीं होगा वहां पर दो से गुणा करना और दो से भाग देना, हर जगह जहां दो नहीं होगा दो से गुणा करो दो से भाग। जैसे आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखना, जैसे क्वेश्चन है x इक्वल टू, चाहे ऐसे ही डायरेक्ट 38 प्लस, एक क्वेश्चन है भाई ये एसएससी सीजीएल 2012 5 रूट 3, इसका वर्गमूल निकालना है। तो एक और मेरे तरफ से समझ जाओ भाई, एक बार देखो, आपको दो तो चाहिए, दो तो है नहीं, दो से गुणा करेंगे या दो से भाग देंगे। तो देखो भाई 38 गुणा क्या हो जाएगा 76, और दो पंच कितना हो जाएगा 10 रूट 3, और अपन में क्या हो जाएगा 2। हम लोग का ट्रिक क्या है कि भाई यहां से दो भूलना है किसी भी तरीके से, तो दो हट जाएगा तो आठ मत समझना, ये मल्टीप्लाई में होता है, दो पचे दस, मतलब इसी से हमें मतलब है, दो गुणे फाइव इंटू रूट थ्री, इस बातों को ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मत कहना कि दो प्लस आठ, ये गुणा में होता है, इस बातों पर। अब भाई टू है तो देखो दो भूल जाओगे, अब पांच के स्क्वायर 25 और रूट थ्री के स्क्वायर 3, तो 25 तीन 28, तो वैसा नहीं होगा, तो इसको एक साथ लिखोगे 5 रूट 3, तो 5 रूट 3 एक साथ लिखोगे, तो जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है 1, और 2 का वर्गमूल रूट 2, आंसर। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, 5 रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 38 प्लस 5 रूट 3। जल्दी बताएंगे भाई, हो गया भाई, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, एक और देख लो भाई, 26 प्लस 15 रूट 3, इसका आंसर कमेंट करो आप लोग बताओ, 26 प्लस 15 रूट 3, छब्बीस प्लस 15 रूट 3, बिल्कुल सही आंसर आ गया, 3 रूट 3 प्लस 5 अपन रूट 2, बिल्कुल सही है भाई। देखो कैसे करेंगे, यहां तो हमें चाहिए 2, 2 तो है नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये कितना होगा 52, अब प्लस ये हो जाएगा 30 रूट 3, और अपन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब
यहां पर क्या होगा 30 से, तो यहां दो भूल जाना है, यानी इसको 2 × 3 × 5 × √3 करना है, क्योंकि ये मत कहना 2 + 28 ऐसे नहीं करना, ये मल्टीप्लाई में होता है, तो दो भूल जाएंगे। अब ये देखेंगे भाई कि तीन है पॉइंट 1, 2, 3, तो तीन पॉइंट में से दो एक साथ होगा और तीसरा अलग होगा, दो एक साथ और तीसरा अलग, ये चीजें सीखना है आपको। तो करेंगे कैसे कि पहले ये देख लेंगे एक साथ, फिर ये भी देख लेंगे, 3√3 एक जगह करके देखो, तो 3√3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 3√3 के स्क्वायर कितना होगा, अब +5 करके देख लो, अगर 3√3 करते हैं जानकर, अब +5 तो देख लो, 9 × 3 = 27 और 5 = 32 ही हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा, तो फिर 5√3 देख लो, तो 5 कितना हो जाएगा भाई, 5 के स्क्वायर 25, अच्छा 52 है, तो इसको 3√3 करेंगे तो 3√3 के स्क्वायर कितना होगा भाई, 9 × 3 = 27 और यहां +5 के स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमारा तो मैं समझा 26 है, यहां तो 52 है, ठीक है, तो कितना होगा भाई 9 और 9 × 3 = 27 और 27 में 5 के स्क्वायर जोड़ेंगे 25, तो 27 × 25 कितना हो गया 52, और 2 का वर्गमूल क्या होगा √2, ये इसके आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इस चीजों को देख लेंगे, क्लियर, फिर से समझ लेंगे, 3√3 इसका देख लेंगे, इसके स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, यानी 9 × 3 = 27, 3 के स्क्वायर 9, √3 के स्क्वायर 3, तो 9 × 3 = 27 और 5 के स्क्वायर 25, तो 27 और 25 कितना हो गया 52 और अपॉन √2, ये आंसर हो गया भाई, देख लो ध्यान से। किसी को दिक्कत होगा तो बता देंगे, यहां पर साइन प्लस हो तो यहां प्लस लगाएंगे, यहां माइनस हो तो माइनस लगाएंगे, और जो तरीका हम लोग लेंगे वो ऐड वाला ही लेंगे, यानी स्क्वायर करके ऐड करेंगे, मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, किसी को भी डाउट हो तो भाई कमेंट करके बता। एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई, 139 − 80√3, अब यहां तो 2 है, 2 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस इसको फैक्टर करके आंसर बताओ, 139 − 80√3, बताओ भाई आंसर। यहां 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 पहले से इसके साथ है, बस आपको फैक्टर करके बतानी है आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, किसी का आंसर आया तो कमेंट करें। चलो मैं बता रहा हूं, देखो आपको 139 लाना है, पहले तो सबसे पहला काम है यहां से 2 भूल जाना है, तो 2 भूल जाएंगे तो क्या होगा भाई, 40√3 होगा, कितना होगा भाई 40√3 होगा, यही तो होगा। अब देख लो, जैसे इसको 2 भूल जाएंगे तो इसको ऐसे पहले करते हैं, 2 और 2 × 5 = 10, 10 × 8 = 80, तो √3 ऐसे कर देते, 2 × 5 = 10, 8 = 80, √3,
दो भूल जाना है, आपको ये बात पता है। अच्छा, अब मान लो कि 8√3 एक साथ रखते हैं तो कितना होगा भाई? अब 8√3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 64, 64 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो ये ज्यादा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर इसको ना रखते 5√3 रखते हैं, तो 5√3 रख देते हैं और माइनस है तो -8 रख देते हैं। अब चेक करते हैं तो देखो भाई 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 25 से कितना हो गया 75, 75 में आप 64 जोड़ दो तो 75 में 64 7 × 6 = 13 139 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। बस जहां 3 होता है वहां पर 2 को एक साथ रखना है, 1 को अलग रखना है, जहां 2 है उनको अलग अलग रखो, और दोनों अलग अलग नहीं रहे तो उनको एक साथ रख के और उनके तीसरे के जगह पर 1 रख दो। मैंने बताया साइन यहां माइनस है तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस होगा। अब आप इसको चेक कर सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो कि ये सही है कि नहीं। अगर इसको चेक करना चाहते हो कि भाई मैं चेक करना चाहता हूं कि आपका तरीका मुझे सही लग रहा है कि नहीं, तो इस तरीके से चेक कर लो, ये आंसर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर ये चेक करने की इच्छा हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, ए बी का मतलब इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो 25 से 75 प्लस 64 -5 × 10 = 80 √3, ये जोड़ लो 5 × 9 = 7 × 6 = 13 -80 √3, तो देखो ये सेम आ गया कि नहीं आ गया, 139 - 80 √3। तो आपको इसी तरीका से कट गया क्या क्लास?